भाई लोग, क्या हाल चाल है? होपफुली सब बढ़िया। अब देखो यार, यहाँ पे कल अपना टॉप 100 जो था ना, वो हो चुका था। लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ कल सीन होता है, टीममेट्स एंड ऑल सारी चीज़ होगा, तो भाई उसी वजह से मैं टॉप 100 से बाहर चले जाता हूँ। और कल का मेरा दिन जो है ना, वो भी वैसे इतना कुछ खास नहीं गया था। सो मैंने एक चीज़ डिसाइड की है यहाँ पे। Watch out! अगर ऐसे चलता रहा तो यार यहाँ पे जो है ना, वो #1 होने से रहा। तो इसी वजह से यार यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नए टीममेट्स लूँ अपनी टीम के लिए। और मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स में से ही उठाऊंगा। सो अगर आपके पास यहाँ पे भाई स्क्वाड का एक्सपीरियंस है, आप पहले से स्क्वाड में रैंक पुश करते आ रहे हो एंड चाहते हो कि यार यहाँ पे मेरे साथ रैंक पुश करो, सीरियस वाली रैंक पुश। ऐसा नहीं कि यार आए एक दिन किया रैंक पुश, किया 2 दिन रैंक पुश किया और फिर चले गए। अगर सीरियस रैंक पुश करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, जाके आपको सिर्फ 3 चीजें भेजनी। सबसे पहले तो अपना स्टैटिस्टिक, दूसरी चीज अपना कैरेक्टर आईडी, एंड तीसरी चीज जो है वो है कौन से टाइम पे तुम अवेलेबल हो, कौन से टाइम पे खेल सकते हो। बस ये 3 चीजें मेरे को भेजनी है एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अपने हिसाब से भाई चूज कर लूंगा टीममेट्स। बाकी तो बढ़ते हैं फर्स्ट गेम प्ले की तरफ। तो अभी के लिए देखो, यहाँ पे स्कूल अपार्ट्स क्लियर करने के बाद यहाँ से हम लोग निकलने ही वाले थे कि उतने में यहाँ पे एक और टीम का पुश आ जाते हैं यहाँ पे हमारे ऊपर। और अभी यार जिस स्पीड से ये लोग यहाँ पे हमारे ऊपर पुश करने आए थे, उसी स्पीड से यहाँ पे लोग को वापस से भेज दिया जाता है। अब रिकॉल होगा तो वापस से आएंगे, और नहीं होगा तो यार यहाँ पे सीधा लॉबी जाएंगे। और तो यार यहाँ पे कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं इन लोग के पास। लेकिन उतने में यार यहाँ पे अब क्या होता है वो देखना। गेम उधर ही खत्म। पर यार ये बंदे के तो क्या ही कहने, जस्ट अभी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश होके गया है और बंदा सीधा मुंह पे आके उतरता है। भाई इतनी तो क्या चलती है यहाँ पे भाई तेरे को बदला लेने की, तू कि तू भाई टीममेट को छोड़ के यहाँ पे हमारे ऊपर आ गया। लेकिन जो भी, और इसको भी यहाँ पे इजीली निपटा दिया जाता है। और अब जोन जो था वो मेंशन की तरफ जा रहा था, यहाँ पे सीधा मेंशन आ जाते हैं, सेंटर पकड़ते हैं। और अब यहाँ से जो आगे का गेम रहेगा ना भाई, देख के यार मजा आने वाला है। और अब ये यहाँ पे बाकी सारे स्प्रे साइड में रख दो। ये वाला स्प्रे आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। हालांकि यार यहाँ पे सामने से भाई M24 का फटका भी आता है, लेकिन कोई बात नहीं यार। यहाँ पे अगर स्प्रे एंजॉय किया तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एम्बो पे जाके गाड़ी ठोक और आराम से जोन में उधर और अब भाई यार यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो हम लोग को छोड़ के टोटल 2 और टीम्स बची थी एंड जोन भी अपने में नहीं था। तो अब यहाँ पे अपने को रोटेशन लेनी थी, लेकिन सही टाइम का वेट करके बैठे थे। और अब जैसे यहाँ पे कंपाउंड वाले बंदे जो है ना, वो ओपन वाले बंदों को, 2 बंदों को नॉक करते ना, यही सही टाइम लगा इन लोग के ऊपर थर्ड पार्टी करने का।
और एकदम ही सही टाइम पे थर्ड पार्टी करने का यहाँ पे अपने को बेनिफिट भी मिलता है। ये वाली टीम को तो अपन यार यहाँ पे इजीली निपटा देते हैं। एंड अब यहाँ पे लास्ट में 3v3 की फाइट बची थी, और जब भी यार यहाँ पे लास्ट में ऐसा ओपन में जोन बना हो ना, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है ना वो थ्रोएबल्स को दो, जितने में भी लेना उतने सारे थ्रोएबल्स उठा लो, चाहे फिर वो स्मोक्स हो या ग्रेनेड्स। ये पेड़ पे भी देख तो लग रहा पेड़ पे भी देख पेड़ पेड़। और ये परफेक्ट टाइमिंग पे भाई जो थर्ड पार्टी किया था उसका अपने फायदा भी मिल जाता है, क्योंकि नेक्स्ट जोन जो था वो अपने भी बन जाता है। एंड इजीली यार ये वाला मैच यहाँ पे निकाल लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड गेम प्ले की तरफ। तो देखो इसका तो जो ये मैच जो है ना वही इतना इंटेंस होता है ना। अब देखो शुरुआत ऐसी होती है ना कि जोन जो था वो यासनाई की तरफ शिफ्ट हुआ था, तो हम लोग को चाहिए था जून का सेंटर। तो मैं गाड़ी निकालता हूँ और राइट साइड से रोटेशन लेती लेती जून के सेंटर के अंदर जाने का ट्राई करने वाला था, लेकिन भाई प्लान इतनी आसानी से एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। Marked a location. अबे यार सब जगह से पड़ती है। और अब ये यहाँ पे इतनी गंदी सिचुएशन में फंसने के बावजूद भी अगर यहाँ पे हम लोग ने सर्वाइव कर लिया है भाई। तीन तीन जगहों से पड़ रही थी, ये बिल्डिंग से पड़ रही थी, लेफ्ट साइड में आगे एक साइड जो बिल्डिंग है वहां से भी पड़ रही थी, और राइट साइड से भी पड़ रही थी। चारों तरफ से बंदे जो है ना वो ये यहाँ पे हम लोग को ही देख के बैठे थे। तो अब यहाँ पे जैसे तैसे सर्वाइव कर लिया जाता है। एंड अब देखते हैं कि यहाँ से आगे का गेम किस तरह से रहता है। Marked a location. Marked a location. Marked a location. Thank you.
एंड अब लास्ट में ये वाली टीम को भरने के साथ ही अब दो और टीम्स बची थी, 3v3v3 की सिचुएशन थी और एक टीम तो अपनी उसमें थी और दूसरी टीम जो थी ना वो सामने वाले कंपाउंड में थी। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे जितनी भी पेटियाँ पड़ी थी ना सारी पेटियों में से जितनी भी हेल्थ किट्स मिलती है सारी की सारी उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को भी पता है कि अगर भाई कंपाउंड का जोन है, अपार्ट्स का जोन है, तो यहाँ पे हील बैटल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। Marked a location. और अब पीछे वाली टीम को तो यार यहाँ पे टीममेट्स जो है वो क्लियर कर देते, एक बंदा मैंने नॉक किया था और अब बची हुई टीम जो थी ना उनका एक प्लेयर जो है वो बालकनी में आ जाता है और यहाँ पे बाई फुट दे देता है, तो उसको तो ग्रेनेड से इजीली भर दिया जाता है। एंड अब बाई 3v2 की सिचुएशन थी तो यार पुश सीधा करना ही था, एक बंदे को नॉक किया जाता है, लास्ट वाले बंदे को ग्रेनेड से भर देते हैं। एंड बस ये था आजकल गेम प्ले। अगर भी पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर भी कुछ ज्यादा चाहिए दोस्तों शेयर कर देना। बाकी तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस। For you, come along and see us.